इन सभी 5G स्मार्टफोन के अंदर तुम्हें एक बढ़िया सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से तुम हैवी गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हो एकदम स्मूथली। और इसके साथ ही तुम्हें 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी और इसकी कैमरा क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त होगी। गाइस आप तो जानते ही होंगे आज के टाइम 5G फोन का जमाना आ चुका है। और गाइस तुमने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि तुम्हारे 5 दोस्तों में से एक के पास 5G फोन होता है और वो 5G इंटरनेट के फुल मजे लेता है। अगर तुम भी एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो अंडर 10K में और तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन सा फोन लेना है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और ये 5G फोन में नहीं बल्कि 4G फोन में भी देखा जाए। और देखा जाए तो हर महीने मार्केट में 2 से 3 स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है और इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, वो भी 5G वेरिएंट में। और ये स्मार्टफोन एक मिडिल क्लास के लड़के या लड़कियों के लिए भी अफोर्डेबल है और ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 10,000 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए हम बढ़ते हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन की ओर। तो 5वें नंबर के स्मार्टफोन की ओर बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको खास इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस वीडियो में किसी की भी स्पॉन्सरशिप नहीं आई और ना ही मैं किसी भी स्मार्टफोन की बड़ाई करने आया हूँ। मैं बस इन स्मार्टफोन के रिव्यू कर रहा हूँ और इनके फीचर्स बता रहा हूँ। कौन सा फोन आपको लेना है कौन सा नहीं ये आपकी मर्जी है। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना और आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया ये आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। बढ़ते हैं इस लिस्ट के 5वें नंबर के स्मार्टफोन के। तो 5वें नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है वो है लावा युवा 5G जो कि एक इंडियन ब्रांड है और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको 9.5 HD प्लस IPS पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को भी मिलेगा और इसके साथ ही इसमें आपको 2.5D कर्व स्क्रीन देखने को मिलेगी और इसके साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको यूनिसॉक T7506NM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये 6NM का अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसर है और इसके साथ ही इसमें आपका एंटीडो स्कोर 350,000 के ऊपर जाता है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके कैमरा की तो इसमें आपको मेन कैमरा 50MP का देखने को मिलेगा और इसके साथ ही आपको 2MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ ये फोन आपको मात्र 9,499 में देखने को मिलेगा। इस लिस्ट के नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है उसका नाम है Xiaomi Redmi 13C 5G। अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की HD IPS LCD डॉट ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको 600 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इसके साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस देखने को मिलेगा। MIUI 14 पे बेस्ड है विद Android 13 के साथ और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 18W के फास्ट चार्जर के साथ। अगर बात करें इस फोन के कैमरा की तो इसमें आपको 50MP का मेन कैमरा मिलता है और विद AI डुअल कैमरा के साथ और इसमें आप 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं HD प्लस और इसमें आपको फ्रंट कैमरा इसका 5MP का देखने को मिलता है। अगर आप बात करें इस फोन के प्राइस की तो ये आपको 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,499 में देखने को मिलता है। और अब इस लिस्ट के नंबर 3rd पे जो स्मार्टफोन आता है वो है Realme C65 5G और ये फोन भी रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। अगर आपको Realme का ही फोन चाहिए तो इस फोन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। अगर बात करें इस फोन की डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.67 HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। इसमें आपको 500 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और इसके साइड में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और इसके बैक साइड में आपको लाइट फैदर डिजाइन देखने को मिलता है। अगर आप बात करें इसके प्रोसेसर की तो MediaTek Dimensity 6300 प्लस 5G 6NM देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन की तो इसमें आपको Realme UI 5.0 पे बेस्ड है जो कि Android 14 के साथ देखने को मिलता है। अगर बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 5000 mAh की एक मैसिव बैटरी देखने को मिलती है जो कि आपको 15W के फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसके बैक कैमरा की तो इसमें आपको मेन कैमरा 50MP का विद AI कैमरा देखने को मिलता है और इसका फ्रंट कैमरा 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इसमें आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद 30fps के साथ। अगर आप बात करें इस फोन के प्राइस की तो ये आपको 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,499 में देखने को मिलता है। और इस लिस्ट के नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है वो है मोटो G34 5G। अगर आपको सिर्फ मोटो का ही फोन चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है मोटो की तरफ से जो कि आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलेगा। फोन के साथ ही इसमें आपको सुपर प्रीमियम डिजाइन भी देखने को मिलता है। अगर आप बात करें इस फोन के स्क्रीन की तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और इसके डिस्प्ले के साथ ही इसमें आपको डॉल्बी एटम्स भी देखने को मिलते हैं और इसके बैक साइड इसमें आपको सुपर प्रीमियम डिजाइन भी देखने को मिलता है जो कि आपको लग्जीरियस देखने
देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 5G देखने को मिलता है और इसके साथ ही इसमें आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। अगर आप बात करें इस फोन के कैमरा की तो इसमें आपको मेन कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी होगा और इसके साथ ही इसमें आपको इसके सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं इस फोन के प्राइस की ओर, तो इस फोन का प्राइस है 10,999 रुपीज। इस फोन का बजट थोड़ा सा 10,000 से क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर लगाएंगे या थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये फोन आपको 10,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट के नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो है पोको M6 Pro 5G। ये पोको की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बन चुका है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.79 FHD प्लस LCD डॉट डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके साथ ही इसमें आपको एंटी हेल्थ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और इसके साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 NM देखने को मिलता है और ये MIUI 14 पर बेस्ड है जिसमें आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 18 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। अगर आप बात करें इस फोन के कैमरा की तो इसमें आपको मेन कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और इसका डेप्थ कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और इसका सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें इस फोन के प्राइस की तो ये आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीज में देखने को मिलेगा। गाइज अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने हैं तो वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक बने हैं तो मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता था कब से, तो इस वीडियो के एंड तक बनने के लिए आपका थैंक्स। और आपको एक बहुत बड़ा स्कैम करना है अब, तो आपको ये करना कि मेरी इस वीडियो को आपको 2 लोगों को भेजना है, फिर उसे बोलना है मेरी वीडियो को पूरा वॉच करे, फिर उसे बोलना कि आगे भेजे और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे और आगे भी भेजते रहे। तो अब गाइस मजाक से हटके अगर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो उन दोस्तों तक शेयर कर देना जो कि एक नया फोन बाय करना चाहते हैं। और गाइस आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आए ये आप जरूर से कमेंट कर देना और मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में।